बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़, और आपने बहन भाई रहने हमारे साथ साथ, तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें। इनाम जी मोहम्मद जी कह रहा है गोदी में ले लो मुझे जी, रूस गया, नाराज़ हो गया भाई आपसे। ये इनाम इनाम पीछे कर दिया आपने? ओ बताते नहीं, गंदा बच्चा पीछे का भी, मेरी पीछे आ रही है। चलो जी सुमेरा बैठे के पास चलते हैं, क्योंकि राबे सिस्टर ने कुछ कपड़े दिए थे, कह रही थी वो ना। हाँ जी अच्छा सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर का हमने काम वगैरह भी कर लिया है, तो अबू जी भी जैसे आपको पता था अभी मेरे पास रह रहे थे, तो अबू जी चले गए हैं। तो बस कहता है अल्लाह हाफिज़ भाई, मुझे घर जाने दो। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है, जब आपका दिल करता है आ जाओ, जब दिल करता है आप चले जाओ। क्योंकि बेटा है, ये भी बेटा है घर, उधर ही बेटा है घर रहेगा, जहाँ दिल करता है अबू जी चला जाता है। क्योंकि एक तो बेटा मुल्तान में भी है ना, भट्टों पे जिनके काम वगैरह करते हैं वो भी, तो उनके पास भी चला जाता है, कभी मुनीब के पापा के पास आ जाता है, जिस तरह दिल करता है फिर उस तरह हम यानी के भी खुश। सही है, चलो फिर ठीक है जी, जाते हैं कपड़े देने के लिए, फिर आते हैं। मम्मा जी नाम, चलो गाड़ी ने बहुत ज़्यादा शोर करा है, ये नहीं पता भी से क्यों भाई ने चला, क्यों चलाया भाई से? ये इंजन बनवाया ना इसका। अच्छा तो वो रमा का कर रहा। अच्छा रमा हो रहा है ये? उन्होंने कहा भाई चला कर रखना है सर, 5-6 घंटे फिर रमा हो जाएगा। हाँ, वजन उठाने के काबिल है। अच्छा सही है, ठीक ये ऐसे वजन उठाएंगे ना जी, रखेंगे हाँ, तो सीट मार जाएगी फिर खराब हो जाएगी। सही है सही है, ठीक है। यहाँ पे जी रुक गया, सिस्टर ने बर्तन वगैरह अपने धो ले हैं, और अब जी दोपहर की रोटी बनाई जा रही है बच्चों के लिए, और ये रखे हुए ताकि ये सूख जाएं और फिर अपना जलाने के काम आ जाएंगे। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, फिर आप क्या बना रहे हो? मैं शाम को मेथी और दाल। नहीं अब भाई बच्चों को रोटी नहीं देनी? अच्छा चटनी करोगे? अच्छा अच्छा सही, ठीक है जी, आप रोटी वगैरह बना लो, फिर मैं अभी उधर की तरह सेटिंग शूटिंग करने लग रही हूँ, सामान वगैरह उधर सारा इनके रखने लग रही हूँ, देखती हूँ ना जो जो जहाँ पे सेटिंग होता है फिर मैं यहाँ रखती हूँ। चटनी करने लग रही है हरी मिर्चों की, क्योंकि मिर्चें सिर्फ दो ही डाली हैं, क्योंकि भाई जन को फिर ना नुकसान देती हैं, ज़्यादा अगर डाल देते हैं कल की मिर्च खाते हैं। सही है, ठीक है सही है। मैं अभी अंडे आलू बनाऊंगी। मनी भी क्या पापा कह रहे हैं भाई आप अंडे बीच में तोड़ लेना। मैं मैं कहती हूँ भाई साबुत अच्छे लगते हैं, साबुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना शोर वाले। अगर मनीप का पापा यूँ कह रहे हैं भाई आप बीच में तोड़ लो अंडे, बाबा छोटे छोटे आलू हैं ना, ज़रा उबालने में ज़रा आसानी हो जाएगी ना, काटने में ज़रा टाइम लगेगा, उबालने में ज़रा आसानी हो जाएगी। सही है, चलो ठीक है, आप चटनी वगैरह कर लो, फिर मैं भी तभी पे ना रोटियां डाल लेती हूँ, बच्चों को बना के दे देती हूँ। मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई, शौकत भाई क्यों काम कर रहे हैं? तो मैंने कहा मियाँ बीवी होते हैं एक दूसरे के साथी, दुख सुख के साथी के, काम करवा ही लेते हैं, ऐसे है ना। और कोई नहीं हो जाएगा, खा रहे हैं ये मेथी है ना, आपको पता है इसमें फिर टाइम लगता है मेथी में करने में। हाँ जी, ये किस तरह मिली है भाई मेथी आपको? 50 रुपये की, 50 रुपये की गुच्छी। सही है, आप फिर 3 गुच्छे लेके आए हो? सही है, मैंने भी वहाँ पे सामने की तरफ कपड़े धो दिए हैं पेटी के और फट्टे के कपड़े, धो के जब खुशक करेंगे फिर पेटी पे और फट्टे पे डाल दूँगी। फट्टा था बल्कि मैंने बाहर उठा के रख दिया, बाकी ये ड्रमी वाली आटे वाली ड्रमी वो भी बाहर रख दिया, अब बाहर के अंदर रख दिया, तो आप थोड़ी थोड़ी बस आस्ते आस्ते हो गए साटिंग होगी। हाँ सही है। और वो दूध आप मंगाए थे, दूध नहीं मंगाया जी? दूध नहीं, मंडी ओ क्या दे रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे क्या दूध ला देते आज। चलो आते हैं तो फिर से मंगाते हैं फिर दूध। इतना आप मेथी वगैरह साफ कर लो आप, आज दाल मेथी बनेगी, कौन सी दाल है वो? काली दाल, काली छिलका वाली, वो फिर ये पतीली में बनेगी या कुकर में? पतीले बन जाएगी, दाल दूंगी, लहसुन प्याज वगैरह काट के, हर चीज दाल भी
वो इस तरह बनाना जिस तरह भाभी जान ना, वो बाद में तड़का देती है लहसुन का, ये पता नहीं प्याज का तड़का देती है, वो भी बड़े मज़े की बनती है। वो फिर बाद में ना उसका तड़का देख के फिर हल्की सी बुनाई करके नीचे उतार देती है। ऐसे बनती है जैसे फिर आपका दिल करा, आपने मसाला भून के बनाया वैसे बना लो, सारा कुछ बीच में डाल कर तब भी अच्छी बन जाएगी। आजकल कैसे बादल भी आने लग रहे हैं, हल्का से बादल आने लग रहे हैं, और मुझे नहीं बाहर छोड़ कर रहे, और सोकर भाई जहाँ कोई चारा वगैरह भी लाने लग रहे हैं, तो मैंने कैसे मैंने थोड़ी सी कपड़े की थोड़ी सेटिंग मारा कर लेती हूँ। इस कपड़े पर मैंने धोया, उस वाले कपड़े पर मैंने धोया, पर मैंने प्लेटें वगैरह रख दी हैं, जितनी मेरे पास पैसे थी मैंने रख दी हैं, और चाबियाँ मैंने धो के ऊपर रख दी हैं, ताकि मैंने कहा ये मैं रमजान मैंने फिर काम आएंगे। ये है मेरे मम्मा दली भाई की महरूम की ना निशानी, मुझे मैंने रखी हुई है बड़े प्यार से, ये मैं किसी भी देती मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो माँ तो मैंने वो इसे क्या बोलते हैं, मैं दिमाग से बात कर रही हूँ, सिलेंडर भी उठा के मैंने ऊपर रख दिया बस, और भी देर से ना काम करने लगे थक गई हूँ। उधर कोई सिस्टर ने मेथी वगैरह भी साफ कर ली है, तो अब मुझे लग रहा धोने लग रही हूँ, तो इस पर मैंने भी कपड़ा बिछा दिया पट्टी में, ताकि इसे अच्छी तरह मैंने साफ सुथरी कर दी है बिल्कुल अंदर से भी बाहर से भी सारे, जो मैंने कहा भी फिर जो गर्मी का सर्दी के कपड़े उठा के फिर पेटी में डाल के रख दूंगी। पहले तो मेरे पे पेटी नहीं थी, अब तो अल्लाह का अल्लाह शुक्र है पेटी पे नहीं हो गई है। तो अब ये वाला कपड़ा ये मैंने धोया था, ये वाला कपड़ा ये फटे बिखरा था, ये मैं पेटी में बिछा हो गई है। चलो ये है कितना कपड़ा है ना, पहले गंदा नहीं होगा, अब इसे ना आराम से बिछा लेती, और असर के जाने भी शुरू हो गए, टाइम का तो पता ही लगा, टाइम क्यों जा रहा भागता हुआ, मिनट में टाइम आ गया, अभी कान सालन वगैरह ही बनाना है, ऊपर ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा मुझे, मिसाना बेटे को बुलाती हैं, ऊपर चढ़ती हैं तैयार कपड़ा वगैरह। मैंने काफ़ी सेटिंग कर दी, अभी कुछ अभी और रह रही है, तो वो भी इंशाल्लाह सुबह तक इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जरूर असिस्टेंट ने मेथी भी अच्छी तरह धो दी है, दाल भी साफ़ कर दी है, और दाल अभी साफ करनी है, करनी है अभी। अच्छा सही, आज तो फिर नए घेरे पे रखी जाएगी। नहीं मैंने कहा बस फिर खुद ही हाथ डल जाएगी से। हाँ ऐसे रखी जाएगी। वो असल में ना प्लेम प्लेम है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है भाई स्लिप हो जाएगा। हाँ जब वजन आ जाएगा ना फिर स्लिप नहीं होगी। हाँ जी जब ये जलेगा ना ये फिर खुद ब खुद ही वो उतर जाएगा जल के ना। सही है। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी ठीक। हाँ मैंने वो जिस तरह भाभी जान बनाती है ना वैसे ही मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, वो ठीक है, भाभी जान भी ऐसे करती हैं। हाँ जी मैं भी बनाती थी, बस ये इतने दिनों बाद से बना रही, काफी अर्से बाद बना रहे हो ना। हाँ जो बनाते रहे ना फिर यानी कि याद रहता है, काफ़ी जोर से बात बनाओ तो फिर जहन में से फिर उतर जाती है। सही है सही है ठीक है। चलो फिर ठीक है, प्याज वगैरह छील लो, फिर देखती हूँ, फिर मैं अभी अपना रेसिपी की तैयारी करती हूँ अपना यानी कि शाम के। सही है माशाल्लाह, यहाँ पर रिक्वेस्टर ने आग भी अच्छी तरह जला ली है, और घेरा भी रख दिया, और पतीली भी रख दी, पतीली ज़्यादा मेथी भी डाल दी है थोड़ी सी, मैंने कि थोड़ी सी नीचे हो जाएगी ना, इतने में दाल साफ करने वाली थी, दाल साफ कर लेती, फिर उसके बाद जो ये मसाला वगैरह ये प्याज वगैरह मिर्चे और लहसुन वगैरह काटा मैंने जी, बीच में डाल दूँगी साथ ही मेथी डाल दूँगी। ठीक है, बीच में भाप नहीं हो जाएगी। अच्छा अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे क्या कह रहे थे, जिस टाइम मैं वो डॉगी को दूध पिला रही थी, आप मुझे कुछ कह रहे थे अभी घेरा लगा हुआ है। मैंने फिर क्या जवाब दिया, मैंने ये कहा को ना हाथ काले होंगे ना बर्तन काले होंगे। सही है ना, मान मान के थक गए थे हम भी, बस आज अचानक ही खड़े हुए थे। अच्छा किले लेने के लिए। अच्छा मुझे नजर आए, मैंने कहा चल ले लो। सही कर, हाँ जी अच्छा कर रहा है ये घेरे का, ये फायदा काली नहीं होती। हाँ और
हाथ यानी कि शक्ल थोड़ी नजर आ जाती है बर्तनों की, कहता जिस तरह आग जलती है काले शाह बर्तन हो जाते हैं। सही है, यूँ थोड़ी सी बचत हो जाएगी बर्तनों की ना। सही है, हो गई ये दाल साफ। बस वैसे है तो साफ, मैंने के नज़र मार लेती हूँ ताकि कंकर वगैरह ना हो। इसमें होते हैं कंकर वगैरह ना। साफ है दाल। हाँ जी, अक्सर होती दाल वो होती जिसमें पत्थर होते हैं, लेकिन साफ है दाल। हाँ जी, और मौसम भी देख सकते हैं साडों की तरफ से बादल आ रहे और मंदम मंदम से धूप निकली हुई है। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, इसने भी फल उठा ही लिया है बड़ाई। रोजे होएंगे और ये फल उसने उठाया वो होगा, पक्का होगा, पक्का वो आएगा। बच्चे ऐश करेंगे फिर। पिछली दफा यही हुआ, बच्चों ने ऐश करी, ऐश करी है। अब रोजे खत्म हो गए थे, ये खत्म हो गए थे इनके। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बड़ा बड़ा मीठा फल और पर नहमतों वाला फल है माशाल्लाह। सही है, चलो ठीक है, अब ये मैं दाल वगैरह साफ कर लूँ फिर मैं भी जाती हूँ। हो गई है, मुझे लग रहा नीचे हो गई है। ठीक, सिस्टर ने सारा कुछ बीच में डाल के और हल्की हल्की आँच कर दी है, ताकि हल्की हल्की आँच में मेथी भी और दाल भी गल जाएगी। यहाँ पे भी ये बाद में गिरेंगे जब गाय चारा वगैरह खा लेगी। अब जी पता नहीं अभी दातरी वगैरह उठा रखी है आप, पता नहीं अब किधर जा रहे हो? अच्छा, घास काटने जा रहे हो। अच्छा सही है। हाँ फिर ये हमारा टोका तो आएगा, फिर टोके पहन आराम से हो जाएगी, कट जाएगी। माशाल्लाह जी। हाँ जी फटा वो, हाँ वो सामने की तरफ रख लिया मैंने फटा। अभी आस्ते आस्ते सेटिंग कर रही हूँ ना, फिर हो जाएगी तकरीबन सेट। कुछ कमरे काफ़ी कर दी है, कुछ अभी रह रही है। चलो फिर ठीक है, जाओ आप। हम इस साइड पे आ चुके हैं घास की तरफ, जो इधर जो है बिलाल के पापा घास काट रहे हैं, तो अभी ये काटते हैं थोड़ा सा, फिर मैं भी काटती हूँ साथ। और यहाँ पर इनाम भी खड़ा हुआ है। इनाम क्या कर रहे हो, क्या कर देख रहे हैं अपने आलू को? घास काट रहे हैं ना आलू? हाँ जी, गीला गीला लग रहा है आपको? हाँ जी, पानी पानी हुआ है यहाँ पे, पानी दिला हुआ है, मैं हल बारिश का है इतनी, वैसे इतनी ट्यूबवेल से दिया हुआ था पानी। हाँ जी, घास है ना, घास है। हाँ जी, मैं काटूँ घास, लाओ मैं काटती हूँ घास। रुपया घास काट रही हो, मुझे कह रही थी भाई आप परे उठ जाओ, मैं काटती हूँ। मैंने कहा चलो ये लें भैया आप काट। जी हाँ, दातरी तेज होती है वो ना, हो हाथ पे लग जाए। जी इधर नाम उनके घास खराब कर रहा है ये। पापा जी बल्ब वगैरह सही करने लगे चूल्हे, मैंने आग वगैरह जला दी भी, अदर कबूतर वगैरह मनीष के पापा ने खोले हुए जा रहा है, बादल आ रहे हैं। और यहाँ पे जी शौकत भाई रुकिया सिस्टर जी मशीन चलाई जा रही है, घास टुका जा रहा है। घास पहले काट के लाए हैं, फिर उठा के लाए हैं, फिर उसके बाद अब जी बारीक बारीक घास काटा जा रहा है। ये भी बेचारे बस दो रह गए हैं, बाकी दो बेचारे अंदर रख दे। हाँ वो उस कपड़े में मुनी बटे, वो उस कपड़े में ना ढक के ना बटे ने अंदर रख दो, उठा के ये ना सर्दी लग रही है ना, क्योंकि ठंड हो रही है ना। नहीं हल्का है ये तो कट जाएगा, मैंने कहा हल्का हल्का चल रहा है बहुत, यानी कि हल्का है। पहले तो वो दूसरी सख्त वाले पत्थर होते थे। हाँ जी हाँ जी, ये तो बिल्कुल नरम घास है। मैं कटाऊं आ रही काटो 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 पतले हो जाओगे, काटो काटो पतले हो जाओगे, मैंने कहा काटो पतले हो जाओगे। हाँ आगे फिर रमजान आ जाएगा, फिर और भी पतले हो जाएंगे। नहीं सही है, कोई नहीं मोटी है। हाँ बाकी सुबह काट लेंगे। नहीं नहीं ये काट लो, ये मुट्ठी सारी काट लो, ये दो तसले। हाँ दो तसले हो नहीं जाएंगे, दो तसले हो नहीं जाएंगे, आराम से माशाल्लाह। नहीं होने के, दो तसले नहीं होने के भाई, सुबह का तो होएगा, सुबह का हो जाएगा। सुबह का ही सिखा रही हूं। नहीं नहीं भाई, ये ना कि सुबह के टाइम मैं दो तसले डालती हूँ ना, फिर ये ना खाती रहती है ये, फिर एक मुठ और काट लो थोड़ी सी। हाँ डाल दिया और यहाँ पर जो है मसाला, फिर मेथी भी तैयार हो चुकी एकदम।
दाल भी डाल चुकी है माशाल्लाह से। अब जो है जैसे लहसुन हमारा ब्राउन होता है इसको हम डाल देते हैं, इसके ऊपर डाल के ना फिर ऊपर रख देंगे चूल्हे पर। लहसुन जो है माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है, अब जो इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाह। अब जो है इसको हल्की आंच पे इसको चम्मच चला कर इसको ना ऊपर रख देते हैं, खुशबू आ रही है ना, छोड़ देगी ना। नहीं वैसे भी एकदम तैयार है माशाल्लाह।